हिम्मत नहीं हारी, ये लगा दिया। काम आ रही थी फसला जाए ऊपर यार, यहाँ से वापस घुमा दिया। ये लोग जो हमारे साथ उथार वाले और उनके साथ और बंदे थे, वो कह रहे हैं कि यार ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं है, स्नो ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, नीचे नहीं आया जाएगा, सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने फिर यहीं से वापस ले लिया। यहाँ से चल तो दिया यार मैं, पर आगे एक मोड़ आने वाला है जिस पे ब्लैक आइस थी बहुत ज़्यादा, उसी का डर था कि वहाँ पे बस इजी वे में गाड़ी निकल जाए। और वो सामने वो दिख भी रहा है, वो आ ही गया मोड़। गाड़ी की स्पीड मैंने स्लो कर ली, दिल में भाई डर तो था, पर ये विश्वास भी था अपने अंदर कि गाड़ी तो मैं निकाल लूँगा। तो बड़े इजी वे में मैंने वहाँ से गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतारा, और बिल्कुल ब्रेक व्रेक बिल्कुल हुआ ही नहीं मैंने, और बड़े इजी वे में वहाँ से गाड़ी निकल गई। टेम्परेचर इतना डाउन था कि यार बार बार वाइपर है जो इतने हार्ड हो रहे थे गाड़ी के कि तो बीच में से उठ जाते और शीशे पे नहीं टिक रहे थे, और जिसकी वजह से ना वो अपना जो सामने का गिलास वो पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा था। तो वो फिर रोक रोक के भाई बार बार में उसमें से बर्फ़ हटानी पड़ती, बर्फ़ क्या वो पत्थर बन रहे थे वो यार, उनको रोक रोक के और उनको साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उनको साफ़ नहीं करे तो फिर सामने कुछ नहीं दिख रहा था, फिर उनको साफ़ करो, बार 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 ये चीज़ करनी पड़ रही थी, क्योंकि टेम्परेचर करीब यहाँ पे था -15 से -20 डिग्री, तो इसलिए ये चीज़ हमको बार बार करनी पड़ रही थी। चढ़ जा यार, अब ज्यादा स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, क्या चक्कर है। चलते चलते अब हम लगभग नीचे आ गए हैं। एक दो लूप रह गए, गाजा। और रास्ता तो आपने देखा कितना डेंजरस हो रहा था, टू व्हील ड्राइव के लिए तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो वापस गाजा होम स्टे पहुँच के ना, स्नोफॉल अभी तक रुकी नहीं है, कभी धीरे हो जाती है फिर कभी तेज़ हो जाती है, तो गाजा पहुँचेंगे, होम स्टे जाएंगे, फिर देखते हैं यार क्या प्लान है। प्लान भाई मज़ा बहुत आया यार, मेरे ख्याल से I-20 अभी तक तो ऐसे टेरेन पर कोई लेके नहीं आया होगा, हो सकता है कोई ले भी आया हो यार, मैं ये नहीं कह रहा,
पर मेरे को जो लगता है वो बता रहा हूँ मैं, और मेरे को कोई हर चीज़ सही नहीं है कि मैं जो सोचूँ वो सही हो। बाकी हम जाके आए ना वहाँ पे, लांगजा के रास्ते पे भी गए थे, तो वहाँ तो यार हाइट, अभी से हाइट इतनी गेन कर रहा था वो, और आगे फिर बर्फ़ इतनी ज़्यादा मिलती, ये थार वाले भाई हमको नहीं मिलते तो हम शायद और भी आगे जाते। तो यार वो ना डाउन हिल उतर रहे हैं, सेकंड गियर में गाड़ी डाल रखी है, और जहाँ लगता है कि ओवर जा रही है तो हल्का सा ब्रेक टेप करके वहीं की वहीं स्पीड कंट्रोल में हो जाती है, और जहाँ लगे कि ज़्यादा जाए तो वहाँ पहले में ले लो। तो भाई प्लान ऐसा कर रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं, मैगी का भूख लग रही थी, मैगी बनवाई आंटी से, और आंटी बैठी है, ये आंटी का होम स्टे काजा में। क्या नाम है आंटी आपके होम स्टे का? पद्मा होम स्टे का नाम, आंटी का नाम है पद्मा, होम स्टे का नाम है तुंगर होम स्टे। जैसे जैसे माँ घर पे जबरदस्ती खिलाती है ना, ऐसी आंटी भी जबरदस्ती खिलाती है। तो अब हम निकल रहे हैं यार कल का, क्योंकि मौसम हो सकता है खराब हो, रास्ते बंद हो, तो फिर हम यहीं अटक जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। डिसाइड तो यही कर रहे हैं, टाइम तो है नहीं बट जाना पड़ेगा, और देखते हैं, अपडेट करूंगा मैं आपको आगे जो भी होगा। तो यार मैगी खा ली, अब हम निकल ही रहे हैं, उसी में फ़ायदा है। और अभी तो ये रोप लगी रहने दे भाई, भाई बिल्कुल है ना, ये रोप हम हटा नहीं रहे, पर ये हटा दें यार, ये दिक्कत करेगी। हाँ चक्कू कहाँ है? उधर ही रखा है। निकालियो, निकालो, अंदर अंदर से भी हटानी है। ये हटाना बहुत जरूरी है भाई, ये देखो सब बर्फ जमी हुई है। आगे का भी हटा दिया, पीछे तो कोई दिक्कत है नहीं, पीछे तो गैप है अच्छा खासा। तो भाई हम निकल दिए यहाँ से, मैगी खाई होम स्टे से, आगे क्या होगा मैं बता नहीं है, अपडेट आपको मिलती रहेगी, आगे बताऊंगा कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं, क्या सीन है, क्योंकि अब जाने का टाइम तो गलत है ये, बट जाना पड़ेगा, हम निकल इसलिए रहेंगे यार, अटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ठीक है यार, कल जब आए थे ना हम शाम को, कल कुछ माहौल ही अलग था, और अब तो यार इतनी स्नो गिर गई खाली, अब वापस चल दिए। पेट्रोल पंप पे आ गए, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, बात ये है, और डीजल डलवा रहे हैं भाई, कोई आ जाए तो डालने के लिए, अभी बुलाते हैं भैया। जो गाड़ी के हालात देखो, मैं आपको गाड़ी के हालात देखो, सर्दी का आलम देखो, डीजल डलवा रहे हैं, तो डीजल मेरे भाई 2000 रुपये का डलवा रहे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, फिर आगे हम डलवा ही लेंगे। उधर उतर जाओ, ये आ गया 23 लीटर, ठीक है। तो भैया मन तो नहीं है यार जाने का ना, कल ही तो मैं आया था, और कल भी रात को यार, और अब जाना पड़ रहा है, अब ना कहीं गए केवल काजा, बट मौसम के मिजाज के अनुसार हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी हमारे पास छोटी है, गाड़ी बड़ी होती तो हम
जरूर रुकते हैं।